प्रदेश की भाजपा सरकार पर कांग्रेस के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। कनीना में कांग्रेस की सीएलपी लीडर यानी किरण चौधरी ने प्राकृतिक आपदा से त्रस्त किसानों के लिए मुआवजे की मांग की, तो झज्जर में रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दुख जताया कि पिछले 4 साल में हरियाणा आंदोलनों का राज्य बन गया है। कनीना की जन अधिकार रैली में उमड़ी ये भीड़ बहुत कुछ इशारा कर रही है, सुनिए किरण चौधरी की जुबानी। सारे लोग जो मौजूद हैं ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी सरकार से सबका मोह भंग हो गया है, और जो पिछले 4 साल के अंदर जो वायदा खिलाफी बीजेपी ने करी है, और आज जो पूरा हर वर्ग जो त्रस्त बीजेपी ने करा है, लोग जो है अब केवल समय देख रहे हैं कि कब वोटों का समय आया और इनको कब मार करा। भाजपा सरकार से हर वर्ग परेशान है। किसी भी कोने में चले जाओ तो आज बीजेपी से लोग परेशान हैं। हर वर्ग आंदोलन में बैठा हुआ है, चाहे कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, और जितने भी बड़े बड़े वायदे स्वयं प्रधानमंत्री ने देश के साथ किए थे, इतनी बड़ी विफलता और इतना बड़ा विश्वासघात शायद किसी प्रधानमंत्री ने किया हो। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा तो कहते हैं कि अपने 4 साल के काल में भाजपा ने हरियाणा को आंदोलनों का प्रदेश बना दिया। इनकी कार्यशैली असंवेदनशील कार्यशैली, ये बिल्कुल असंवेदनशील तरीके से चलते, और यही कारण है इन्होंने हरियाणा को बारी बारी मुश्किल में डाला, बारी बारी उलझाया, बारी जो 4 वर्ष में 4 बार प्रवेश सुलगा, 3 बार व्यापक कानून व्यवस्था की विफलता हुई, जान माल का नुकसान हुआ, उसका मुख्य कारण यह है कि असंवेदनशील सरकार। नहीं तो संवेदनशीलता और संवाद, संवेदनशीलता और संवाद के साथ मसलों के हल किए जा सकते हैं। कांग्रेस हरियाणा में भाजपा सरकार पर चौतरफा हमले कर रही है, जुमले वाली सरकार बता रही है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर भी झूठे वादे करने का आरोप लगा रही है, सभी वर्गों में बेचैनी का हवाला भी दे रही है। तो क्या वाकई हरियाणा सरकार जनता के मुद्दों का समाधान देने में विफल है? कनीना से राजीव यादव और झज्जर से सन्नी खन्ना के साथ टीम फोकस हरियाणा।